अगर उसको मेरा ख्याल ऐसे ही रखना है, मेरा ध्यान ऐसे ही रखना है, तो क्या करूं इसी प्रेगनेंसी का? ऐसे बच्चे को तो पैदा होने से ही मर जाना चाहिए। I'm going to kill this unborn child. I swear. मैं रणवीर के होने वाले बच्चे को मार डालूंगी। But Riya, how can you? Riya, तुम ये क्या बोल रही हो? I mean, you're not pregnant with a real child. तो तुम कैसे? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ये मैं जानती हूँ, आप जानती हो, शायना जानती। और किसी को तो नहीं पता ना कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। सबको यही लगता है कि मैं रणबीर के होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैंने ये फेक प्रेगनेंसी इसलिए कंसीव की ताकि मैं सबको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकूं, और मेरी फेक प्रेगनेंसी की वजह से प्राची इस घर को छोड़ के जा रही थी। पर रणबीर, रणबीर ने मुझे मना ही नहीं किया, वो तो प्राची को जाने से रोक रहा है। और जब मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की ना कि जब प्राची इस घर से चली जाएगी उसको मेरे साथ रहना पड़ेगा, यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड वो उसे जाने से रोकेगा, उसे उसके साथ ही रहना है। तो आप बताइए, आपका ये आइडिया मेरी ये फेक प्रेगनेंसी सब बेकार हो गई ना? अब बेड अप ऑफ दिस, घर छोड़ के जाना। ग्रैब, वो जाने लगती है तो फिर उसे कोई रोक लेता है, वो फिर से जाने लगती है तो फिर उसे कोई रोक लेता है। अरे वो तो खुद से जा रही थी और दीदा ने उसे रोक लिया, तो फिर जाने के लिए तैयार हुई तो मॉम ने उसे रोक लिया, और इस बार, अरे इस बार तो वो जा ही रही थी और रणबीर बीच में आ गया और उसे जाने से रोक रहा है वो। गॉड डैम इट, सब के सब अपनी मन की कर रहे हैं, मैं जो चाहती हूँ वो होगा कि नहीं? ये घर में होता वही है जो पल्लवी चाहती है। जो सब तुम मुझसे कह रही हो वो अगर तुम पल्लवी से कहो तो वो हो सकता है जो तुम चाहती हो। You're right. मुझे मॉम से बात करनी होगी, और मैं उनसे ऐसे बात करूंगी कि वो खुद कहेंगी कि हाँ, प्राची को घर से निकालना ही होगा। सुबह सुबह पहला काम यही होगा, प्राची को घर से निकालने का डिस्कशन विद माई स्वीट स्वीट सासू माँ। गुड मॉर्निंग। सॉरी, मुझे ऐसे उठाना नहीं चाहिए था। नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक्चुअली तुम पूरी रात ऐसे सोए थे, तुम्हारे लिए बहुत अनकंफर्टेबल हुआ होगा ना? सच बताओ तो हाँ, अनकंफर्टेबल हुआ बहुत, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साइड में आके सो लेता तो तुम अनकंफर्टेबल हो जाती, तो इसीलिए मैं नहीं आया, पूरी रात यहाँ सोता रहा, मजाक कर रहा हूँ। अच्छे सोया मैं, बहुत कंफर्टेबली सोया। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में था ना, मुझे इतनी अच्छी और बेहतरीन नींद आई ना, तुम मान नहीं सकती। क्या सपने देखे मैंने सारे रोमांटिक तुम्हारे साथ, एंड जब मेरी आंखें खुली ना, सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या थे? तुम्हारा चेहरा देखा, मेरी मॉर्निंग और भी गुड मॉर्निंग हो गई। पता है मेरी दीदा कहती है कि अगर दिन की शुरुआत ना कुछ अच्छी से हो, कोई अच्छा चेहरा देख लो तो दिन बहुत अच्छा जाता है, और तुम्हारा चेहरा तो मतलब दिन तो बहुत ही अच्छा जाएगा। By the way, thank you. तुमने मुझे इतनी खूबसूरत शक्ल दिखाई, थैंक यू सो मच। आज का दिन तो मतलब, मैं एक सेकंड में आता हूँ फ्रेश अप होकर, ओके? राजी, उठ गई तू? मुझे ना शाना, मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे करना कुछ और है, मैं कुछ और कर रही हूँ। रात को मैं सोचती हूँ कि ये करूंगी कल, पर सुबह कुछ मतलब मुझे लगता है
मुझे यहां से नहीं जाना चाहिए। ये क्या कर रही हो तुम? प्रेम। किसके लिए? रिया के लिए, उसकी जीत के लिए। एक्सक्यूज मी, मेरी बेबी को ना तुम्हारी प्रेयर्स की जरूरत नहीं है। उसे बेबी बेबी बोल के तो बेबी बना दिया है। तुम बच्चों को तो प्रेयर्स की जरूरत होती ही है। सॉरी। लिसन शाइना, माय रिया इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल, ओके? उसे अपना काम करना खुद आता है। कभी कभी मेरी जरूरत पड़ती है, लेकिन तुम्हारी प्रेयर्स की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। अभी तक तो उसने पल्लवी का डोर भी नॉक कर लिया होगा। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। और अगर वो अंदर आ गई होगी तो फिर? तो क्या, रिया स्माइल करेगी और फिर रोने लगेगी। रिया? पल्लवी को ये देखकर बहुत बुरा लगेगा। वो उसे कंसोल करने के लिए गले लगाएगी और गले लगते ही रिया और जोर से रोने लग जाएगी। रिया? क्या क्या हुआ है बच्चा? तू ऐसे क्यों रो रही है? कुछ तो बता। डोंट क्राई लाइक दिस। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। प्लीज टेल मी। कोई बात है तो मुझे बता। आई ट्राई एंड सॉर्ट एवरीथिंग। प्लीज बेटा ऐसे मत रो। व्हाट हैपेंड? वो उसे चुप कराएगी और रिया चुप होते ही पल्लवी से कहेगी कि वो चाहती है कि प्राची इस घर से चली जाए। मैं आपसे ये कहना नहीं चाहती थी। ट्रस्ट मी, आई रियली डिडंट वांट टू ब्रिंग दिस अप, बट अब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मैं परेशान हो चुकी हूँ। हर रोज मैं टेंशन में होती हूँ। I'm just feeling so insecure, Mom. एक emptiness feel होती है, जैसे कि मेरा कोई है ही नहीं, जिसकी वजह से मेरा stress level भी बढ़ रहा है। And trust me, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे अपने होने वाले बच्चे की चिंता है, Mom. अगर मैं ऐसी ही रही तो मेरे बच्चे के हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा? क्या होगा उसका? मैं जानती हूँ कि हर माँ को खुश होना चाहिए, हंसना चाहिए, पर मैं खुश नहीं हूँ, मॉम। नहीं हूँ मैं खुश। मैं ना सो सकती हूँ, ना हंस सकती हूँ, बस रोती रहती हूँ, मॉम। अंदर से मैं खुशी नहीं हूँ। कभी कभी तो लगता है कि मैं माँ ही क्यों बनी। उसकी ये हालत देखकर पल्लवी के उस पर बहुत तरस आएगा। उसे लगेगा जैसे कि उसकी खुद की बेटी रो रही है। बचपन से उसने रिया को अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट किया है। आई एम सो सॉरी कि तुम्हें ये सब प्रेगनेंसी में ये सब देखना पड़ रहा है, तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। यू शुडंट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस। लेकिन बेटा फिर भी तुम्हें खुश रहना सीखना होगा ना। मॉम, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं आप मुझे देंगी? ऑफ कोर्स रिया, एनीथिंग फॉर यू। तो मॉम आप प्लीज प्राची को इस घर से जाने के लिए कह दीजिए। मॉम आप कहेंगे ना तो वो चली जाएगी, और वो चली जाएगी तो आई बी स्ट्रेस फ्री, मैं खुश हो जाऊंगी। बोलिए ना मॉम, आप उसे बोलेंगी ना? बोलिए ना मॉम। हाँ मैं बोलूंगी उसे, मैं प्राची को इस घर से जाने के लिए बोलूंगी। रियली मॉम? मॉम आप नहीं जानती आपने क्या कह दिया। मॉम थैंक यू थैंक यू सो मच मॉम। यू नो व्हाट, नाउ आई विल बी हैप्पी, आई विल बी स्ट्रेस फ्री। एंड मॉम ट्रस्ट मी, मैं खुश इसीलिए नहीं होंगी क्योंकि प्राची इस घर से जा रही है। आई विल बी हैप्पी क्योंकि अब मैं अपने बच्चे का ध्यान अच्छे से रख पाऊंगी मॉम। आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ माय चाइल्ड मॉम। आई नो, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। यू हैव टू ट्रस्ट मी। मैं जो भी बोलूंगी सबकी भलाई के लिए बोलूंगी। टेल मी रिया, मैं जो बोलने जा रही हूं वो तुम करोगी ना? मैं प्राची को इस घर से जाने के लिए कहूंगी, लेकिन 9 महीने बाद। और उसके लिए तुम्हें
रणबीर को डिवोर्स देना होगा। मुझे लग रहा था कि जो मैं कर रही हूँ, जो सोच रही हूँ, बिल्कुल सही है, पर ऐसा नहीं है। मैं गलत कर रही हूँ शाना, मैं सेल्फिश हूँ, मतलबी हूँ। मुझे लग रहा था कि अपनी बहन की खुशियों के लिए मैं अपनी खुशियाँ सैक्रिफाइस कर दूंगी, पर ये मैं क्यों कर रही थी? अपने लिए, क्योंकि मेरी मन को तसल्ली हो, मेरा मन शांत हो, मैं गिल्टी फील ना करूं। इसका मतलब ये सब मैं अपने लिए कर रही हूं, जो गलत है तू बोल ना, मैं जो कह रही हूं वो सही है ना? इट्स रॉन्ग, राइट? सच बताऊं मुझे कुछ और ही लग रहा है, पर तू बता नहीं पा रही है। बता तो रही हूँ। देख शाना, रणबीर, रणबीर बहुत अच्छा है, वो अच्छा है, एक अच्छा पति तो है ही, और मैं जानती हूँ वो एक बहुत अच्छा पिता भी बनेगा। लेकिन उसका ख्याल जब आता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ। इट्स नॉट राइट। जो भी है शाना, मैं उसे प्यार करती हूँ यार। क्या ये क्या हरकत है? तुमने मुझे किस क्यों किया? क्यों किया मतलब क्या? क्योंकि मैं कर सकता हूँ तुम्हें किस, इसलिए किया? नहीं, तुम मुझे किस नहीं कर सकते। ओ, मैं तुम्हें किस क्यों नहीं कर सकता? नहीं, तुम नहीं कर सकते, ये गलत है। अच्छा, मैंने पीछे से किस कर लिया ना, आई थिंक वो गलत है। तो एक काम करता हूँ, मैं आगे से किस कर लेता हूँ, वो ठीक हो। किस किस करना ही गलत है? गलत है ना शाना, बोल ना। हाँ, गलत है, बहुत गलत है। क्यों गलत है भाई? मेरी वाइफ है, मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, और अपेरेंटली अब तो प्राची भी मुझसे प्यार करती है, तो इसमें गलत क्या है? किसी तो है। फिर भी तुम किस नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता मैं तुमको किस? क्योंकि हम है, पर हम एक नॉर्मल कपल की तरह नहीं, इसलिए तुम नहीं कर सकते बस। ओके, मैं मानता हूँ हम नॉर्मल कपल नहीं है, लेकिन हम बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कपल है, बहुत स्पेशल है, वेरी स्पेशल। जो भी है, तुम्हें मुझे किस नहीं करना चाहिए था। अरे हद हो गई, मैं तो करूंगा किस, मेरा मन किया, तुम मेरी वाइफ हो, मुझे कोई रूल बुक में साइन नहीं कराना तुम्हें किस करने के लिए। आई कैन किस यू व्हेन आई फील लाइक। जो मन करे, आई डोंट केयर। बस जो गलत है तू बोल ना, मैं ही बोल रही हूँ कब से, गलत है ना शाना? मुझे और शाना को गलत लगता है, बोल। हाँ गलत है। अरे अरे अरे, क्यों नहीं करना चाहिए था भाई? अरे किस जमाने की लड़की हो यार तुम? किस करना एक तरीके का एक इमोशन है, एक जेस्चर है कि कोई इंसान आपको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। अब छोटा बच्चा अच्छा लगता है तो उठा के करते हो ना, ओ ले ले ले, शो क्यूट, किस करते हो ना उसे, बिल्कुल वैसे ही। कई लोग तो गलती से भी किस कर लेते हैं। आर्यन देखो, तुम बीच में मत बोलो। ओ, मैं बीच में? सॉरी। लो, साइड आ गया, अब बोल लूं? आर्यन तुम कुछ भी मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम नहीं जानते कुछ भी। अरे यार तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है, किस करने से कोई बच्चा नहीं हो जाता। के बच्चे में तुम्हें मार दूंगी, तुमको तो मैं। अरे 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 अरे, देख के शाना, देख उठाया तो जा नहीं रहा, मारोगी कैसे? इसलिए कहते हैं बच्चों को बचपन में खाना चाहिए। मैं मार डालूंगी तुमको। अरे क्या कर रहे हो? सुनो शाना, अरे प्राची उनको गिर जाएगी। अरे यार हद है यार, कभी गले लगाता हूँ तो तब प्रॉब्लम होती है, कभी किस करता हूँ तो बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई मुझे एक बात बताएगा कि मैं अपनी वाइफ से प्यार जाहिर करूं कैसे? आंखों में आंखें डाल के। She said I love you. I love Ranbir. Oh, she loves me. Riya. 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 Listen to me. जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, don't you dare walk away like that. मैं सास हूँ तुम्हारी, कोई बुआ नहीं हूँ जिसे तुम disrespectfully बात करो. Don't show me your tantrums like this again, understand? तुम्हारा ये care a damn attitude मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता. क्या कहा आपने? हाँ, कि आप मेरी सास हैं?
आपको पता भी है कि मैं आपकी बहू हूँ, वो बहू जो प्रेग्नेंट है। लेकिन आपको देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको मेरी इतनी सी भी फिक्र है। इसी घर में मेरी गोद भराई हुई और अब आप मुझे रॉयल तरीके से इग्नोर कर रही हैं। I really don't know what happened, mom. ऐसा क्या हो गया अचानक जिसकी वजह से आप मुझे इग्नोर कर रही हैं? मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं रही, बस प्राची 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 ही आपके लिए सब कुछ है। You know what, mom? वो भी मेरी तरह एक नॉर्मल बच्चे को ही पैदा करेगी, उसकी कोख से कोई भगवान का अवतार नहीं जन्म लेने वाला। Shut up! How dare you talk to me like that? ऐसे बात मत करना मुझसे दोबारा। क्यों? क्योंकि आप मेरी सास हैं। सास तो छोड़िए मॉम, मैंने आपको माँ का दर्जा दिया था और आप मुझे किस चीज का दर्जा दे रही है? कैसे कह सकती है कि मैं रणबीर को डिवोर्स दे दूं? आप मुझसे मेरा पति ही नहीं छीन रही, आप मेरे बच्चे से उसका बाप भी छीन रही है। कुछ नहीं बोलोगी तुम, कुछ सोचोगी भी नहीं। तुम्हारी लंबी जुबान जो है ना, वो एक दिन सब कुछ बर्बाद करके रखे। I want Prachi to stay. Do you understand that? I know, mom. मुझे पता है आप Prachi को यहाँ पर ही रखना चाहती है, लेकिन मेरा क्या होगा? तुम रणबीर की वाइफ बनकर अगर यहाँ आ रही तो Prachi तो चली जाएगी ना यहाँ से। Why will she stay here? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रणबीर से अलग हो जाओ। तुम्हें मेरी बात जरा सी भी समझ में नहीं आती क्या? कितनी बार समझाया मैंने, मेरी प्लानिंग है, मैं कुछ प्लान कर रही हूँ, बट नथिंग, यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड इट। नो, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, आप क्या प्लान कर रही हैं? आई हैव नो आईडिया। सुनो, क्या प्लानिंग शानिंग हो रही है भाई? हमें भी तो बताओ, हम भी सुनेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम तो ऐसे ही। बस ऐसे ही मतलब? ऐसे ही थोड़ी ना प्लान्स बनते पल्लवी, कुछ तो प्लान की बातें हो रही थी। कौन सा प्लान बता दो हमें भी। अब वो मैं सोच रही थी कि रिया एंड प्राची को मैं शॉपिंग मॉल ले जाऊं मैटरनिटी वेयर खरीदने के लिए। ये मुझे डबल क्रॉस कर रही है। लवी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये रिया गुस्सा क्यों होगी फिर? अच्छी है ना, उसे मैंने कहा कि कुछ देर में चलते हैं, मुझे अभी कुछ काम है, तो नहीं अभी जाना है मुझे, अभी के अभी जाऊं। अब मैं बस बात करके आती हूं उसे। विक्रम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पल्लवी हमसे कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है? कोई तो बात जरूर है जो वो हमसे छुपा रही है ना? मतलब वो शॉपिंग की प्लानिंग नहीं कर रही, प्राची को लेकर कुछ और ही प्लानिंग कर रही है। मैं प्राची को इस घर से जाने के लिए कहूंगी, लेकिन 9 महीने बाद, और उसके लिए तुम्हें रणबीर को डिवोर्स देना होगा। मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए था, जो मुझे अब मिल गया, तो चलो। मैं प्राची को छोड़ के नहीं जा रहा हूँ अंदर प्राची के साथ। उस रात को भी जिस दिन मेरा भाई झगड़ा हुआ था, मैं अंदर गया था और मैं शराब पी रहा था, उस दिन भी तुम आई। उस दिन मैंने क्या बोला तुमसे कि मुझसे दूर चली जाओ यहां से, जस्ट गो अवे। तुम दूर गई? नहीं, मैं तो नशे में था, पर तुम तो नशे में नहीं थी ना। तुम्हें मैं बोलता रहा कि मैं प्राची का ही हूं, मैं प्राची के साथ रहना चाहता हूं, लेकिन तुमने मुझे छोड़ा नहीं। कैसे कर लेती हो ये सब? बहन बहन बोलकर दुश्मनी कैसे निकाल लेती हो? मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर इतना जरूर पता है जो तुम बोल रही हो, जो कह रही हो, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। कुछ नहीं किया है? मेरे पति को मुझसे छीन लिया तुमने। तुम्हारा पति? रियली? और मैंने छीन लिया? रिया, छीना उसको जाता है जो चीज आपकी नहीं हो, किसी और की हो। रणबीर हमेशा से मेरा था। अच्छे से जानती हो रणबीर मुझसे प्यार करता है। ये तुम्हारी गलत फहमी है, सबसे बड़ी गलत फहमी। रणबीर ने कभी ऐसा नहीं कहा था, न तुमसे, न फैमिली से, न किसी से, अपने मन में भी नहीं सोचा होगा। हाँ, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए तुम या कोई भी मेरे रिश्ते पे, मेरे शादी पे कभी सवाल नहीं उठा सकता। तुम्हारी नियत पे तो सवाल उठा सकती हूँ ना? भूल गई तुमने मुझे क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए इस घर को छोड़ के चली जाओगी। तुम नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे को उसकी फैमिली ना मिले। What does that mean? That means तुमने मुझे और रणबीर को एज ए कपल एक्सेप्ट कर लिया था,
तुमने एक्सेप्ट कर लिया था कि रणबीर मेरा पति है, उसे मेरे साथ ही रहना चाहिए, याद दिलाऊं? रिया मेरी सगी बहन है, मेरी जुड़वा बहन है शहाना, उसकी खुशियां मैं नहीं छीन सकती। जो भी मेरा है ना, मैं रिया को देकर रहूंगी, वो मेरी अपनी बहन है। मुझे ये घर छोड़ के जाना ही होगा शहाना। मैं तुम्हें याद दिलाऊं, जिस दिन इस घर में मैं वापस आई थी उस दिन मेरे साथ विमेन एनजीओ था, जिनके सामने ये बहुत इजीली साबित हो गया था कि मैं रणबीर की लीगल वाइफ हूँ, यानी असली पत्नी, और तुम्हारी शादी दोनों ही इलीगल। प्राची, ये तुम्हारा घर है और पूरे हक से रहो, और अगर तुम्हें यहाँ से कोई निकालता है तो याद रखना हम सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। या फिर ये याद दिलाओ कि कैसे रणबीर ने सबके सामने मेरी मांग में कुमकुम भरा था। खुद को बचाने के लिए बोला गया झूठ कभी सच नहीं बन जाता। फैमिली ने उस टाइम झूठ बोला था अपने आप को बचाने के लिए, इसीलिए तुम्हारी मांग में ये कुमकुम भरवाया था। उस दिन जो भी हुआ वो एक झूठ था। झूठ तो तुम्हारी शादी थी रिया, जो सबको ब्लैकमेल करके की गई थी।